अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। फ्रेंड कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से। मैं भी ठीक हूँ। और क्या हाल है आपका? तो अब दोस्तों फ्रेंड आज की वीडियो के इन रिसीवर के बारे में बनाते हैं, जो बिल्कुल नया लेटेस्ट मॉडल है इकोलिंक T10 प्रो, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये बड़ा रिसीवर है, इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इनकी प्राइस क्या है चल रही है इस टाइम, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। और ये किस तरह का है और इसकी मतलब आगे जो फंक्शन वगैरह हैं वो कैसे हैं, तो बाकी इसमें जो सर्वर वगैरह होता है वो तो बिल्कुल जिस तरह आपका फेवरेट सर्वर जो है वही है फॉरएवर। तो बाकी इसको देखते हैं। और इसका डोल्बी भी है ये, और अक्सर लोग पूछते हैं कीमत जो उसकी कम होती है कि डोल्बी है या नहीं, क्योंकि एयरटेल के ऊपर उसका मसला जा रहा है। तो ये डोल्बी भी है तो ये नहीं है, उसमें कुछ चैनल हैं ऐसे जिसमें ऑडियो का मसला जा रहा है। तो ये डोल्बी है और बाकी इसको देखते हैं। आइए फिर, काफ़ी पहले आया था मॉडल इस जैसा, लेकिन ये साइज़ इस जैसा नहीं था, लेकिन मतलब इसके लगभग था। तो ज़रूर इसको बाहर डब्बे के निकाल के देख लेते हैं कि उसी तरह का है या कोई और है, और उसमें जो फंक्शन थे एक जैसे हैं या कोई और हैं। और बाकी इस जैसा आया था शुरू में काफ़ी अरसे से, जब कीमतें भी उस वक्त कुछ कम थे। तो HDM होगी ये, देखें जैसे कि उन्होंने बताया कि इसके साथ जो वाईफाई टेंडर है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये 15.06 को भी काम करता है। जो इसके साथ टेंडर दिया गया है ये वो टेंडर है जो अक्सर सिवों को काम करता है, लेकिन ये है इसके साथ। तो इसके साथ इसको बाहर एक मिनट निकाल लेते हैं। तो देरी बात है, रिमोट डब्बे के ऊपर भी एक था, तो इसके यहाँ भी एक है। और ये रहा जो इसके साइज़, एक टाइगर T20 जो है रेजर उर्ज जैसा ही साइज़ है, और वो ये है प्लास्टिक का नहीं है दोस्तों, ये पहले आपको बताते चलें। और बिल्कुल उस जैसा नक्शा है, उस जैसा साइज़ है। तो पहले जब आया था वो थोड़ा उससे बड़ा था। तो ये रहा इसका फ्रंट, तो आप देख सकते हो। बाकी मोनोग्राम भी ज़रूर चेक कराएंगे कि वो किस तरह का है, उसके फंक्शन जो हैं वो थोड़ा किस तरह के हैं। तो सिग्नल दिखाने का इसका अंदाज़ भी एक टाइगर की तरह है, जैसे कि मैंने बताया प्लास्टिक की गाड़ी में नहीं है ये, तो देखा आपके आवाज़ से पता चल गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बाकी इसको बिल्कुल ये नया है, ये बैक साइड इसका ये है और डबल फ्लैश है पीछे देख सकते हो। और बाकी ये टेंडा जो है ये भी बड़ा अच्छा है, और ये है इसका रिमोट। स्क्रीन के यहाँ चलते हैं, यहाँ पर वीडियो कैप्चर से मोबाइल के आपके साथ इसका थोड़ा सा दिखाते हैं। स्टार्ट हो रहा है, ये देख लें। जिस तरह मैंने बोला कि पहले इस तरह का भी आया था मॉडल, वो बिल्कुल उसी तरह के इसके भी फंक्शन हैं, और इस तरह का मिनी भी कुछ थे, तो इन सब के फंक्शन हैं, तो यहाँ देख सकते हो। और बाकी इसमें जो ये देख सकते हो, बाकी फंक्शन सब वैसे ही हैं। और इकवंजा पंजा कर लें तो सिग्नल क्वालिटी बताएगा, मतलब जो है आपकी सैटेलाइट, तो यहाँ सर्च स्कैनिंग सब चीज़ वैसी है। तो ये रहा बिल्कुल नया रिसीवर है, जो तो मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बाकी इसमें बिल्कुल ये फंक्शन काफ़ी अरसे से कुछ रिसीवर हैं उनमें है ये, और इसमें भी वही है। जैसे कि टाइगर का जो मॉडल है वो थोड़ा अलग का है, तो उस जगह साइज़ है। यहाँ पर इसका जूम सिग्नल बड़ा हो गया, ये देख ले सकते हो, और ये जूम सिग्नल जो है काफ़ी बड़ा है। जिस तरह टाइगर में भी अक्सर मिनी जो है उसमें भी ये है जूम सिग्नल का जो ये ऑप्शन। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, जो आपके साथ शेयर किया था 265 भी है और फुल HD है, डोल्बी भी है, और इसके साथ जो सामान था वो भी मैंने शेयर किया। और बाकी इसकी जो प्राइस इस टाइम है वो दोस्तों इसकी मुकम्मल 6000 है, जिस तरह महंगाई है तो उस हिसाब से इसकी 6000 प्राइस है।